नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर जॉन इंफ्राटेक क्रिएशन में। घर निर्माण का काम कॉन्ट्रैक्टर को देते हुए दो तरीके से दिया जाता है, पहला है लेबर वर्क, दूसरा है मटेरियल वर्क। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेबर वर्क। लेबर वर्क क्या होता है? जब हम किसी को घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए ताकि हमारा घर समय पर तथा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मटेरियल ख़राब हुए तथा कॉन्ट्रैक्टर से सही तालमेल के साथ बने। आइए जानते हैं कि लेबर रेट क्या होती है। लेबर रेट की कैलकुलेशन छत नाप से की जाती है। उदाहरण से समझें, एक घर की छत की लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 50 फीट है तो उसकी कुल लेबर रेट क्या होगी। उसकी छत को बालकनी सहित नाप कर हम लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे, अर्थात 20 फीट इंटू 50 फीट इक्वल टू 1000 फीट होगी। यदि लेबर रेट हम 220 रुपये तय करेंगे तो 1000 फीट को 220 से गुणा करेंगे और कुल मजदूरी या लेबर रेट घर बनाने की होगी वो होगी 220000 रुपये मात्र। अब हम बात करेंगे लेबर रेट में कार्य क्या क्या होता है। लेबर कार्य की सूची, यदि बेसमेंट या नींव खुदाई का कार्य आता है इसमें एग्रीमेंट में नक्शा अनुसार खुदाई का कार्य किया जाता है, जिसमें ठेकेदार मिट्टी को बेचकर खुदाई का कार्य करवाता है। इसमें ध्यान रखने की बातें हैं कि तय नक्शा व एग्रीमेंट में नींव की गहराई, चौड़ाई, सड़क लेवल, कॉलम कितने आएंगे सब पहले से तय कर लें ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक बार नक्शा बनने के बाद बार बार कोई नक्शा ना बदलें, इसलिए घर बनाने से एक महीना पहले अपनी ज़रूरत के अनुसार नक्शा आपसी पारिवारिक सहमति के आधार पर आर्किटेक्ट से बनवा लें। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर को चुनें, इसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है जिस पर आप क्लिक कर आप जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक घर का बिना मुखिया के बिना अधूरा होता है, वैसे ही घर बनाने में कॉलम का ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। इनकी कुल संख्या, इनकी जगह व साइज, इसमें कितने सरिया या लोहा आएगा, ये सब एग्रीमेंट में तय कर ले। अब हम बात करते हैं चुनाई की। चुनाई नक्शा अनुसार फाउंडेशन बनवाएं, फाउंडेशन की गहराई चौड़ाई तय कर लें। फाउंडेशन हमेशा नीचे बड़ा और ऊपर छोटा होता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे कि नीचे का फाउंडेशन 2.5 फीट, फिर ऊपर 2 फीट, फिर ऊपर 1.5 फीट, ये सब एग्रीमेंट में तय कर लें ताकि कोई विवाद ना हो। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है PPC। PPC वर्क फाउंडेशन व कॉलम रोड लेवल से तय नक्शा अनुसार गहराई तक खोदें और एक साथ सभी कॉलमों की PPC एवं फाउंडेशन की PPC कर लें। इसके बाद अच्छी तरीके से तराई करें। सभी PPC वर्क कंप्लीट होने के बाद अगले दिन ही चुनाई और फाउंडेशन, कॉलम आदि का कार्य करें। अगला है DPC वर्क। DPC वर्क फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले उसमें मिट्टी का भराव करें, उसके बाद DPC का सरिया लोहा बंधवाएं, DPC एक साथ सारी भरें और साइड के फंटे तुरंत ना खोलें, अगले दिन ही खोलें। अगले दिन उसमें टैंक से पानी डालें, लगातार 2-3 टैंकर डालें ताकि मिट्टी जम जाए, कोई भी उसके अंदर ठोस ना हो। अगला पॉइंट है ईंटों की चुनाई चालू करें, सभी दीवार का निर्माण कार्य करें। छत बनने से पहले, सेटरिंग से पहले सारी दीवार का निर्माण कार्य करें। छत की सेटरिंग से पहले कच्चा फर्श भी PPC कर दें ताकि वो मजबूती बनी रहे। सेटरिंग छत भरते वक्त बैठेगी नहीं। सारा लोहा तय नक्शा अनुसार बंधवाएं। उसके बाद लाइट कंडूट पाइप, फैन बॉक्स नक्शा अनुसार लगवाएं, समस्त साइडें बंधवाएं। उसके बाद कवर पैक या गिट्टी सरियों के नीचे लगाएं ताकि छत मजबूत बन सकें। मैं रिकमेंड करूंगा ये सभी जांच आप खुद स्वयं मौके पे जाकर खुद करें ताकि आपका घर मजबूत बन सके, कोई लापरवाही ना हो सके, ताकि हम भविष्य में रिपेयर मेंटेनेंस का पैसा बचा सकते हैं। छत भरने के बाद अगले दिन सभी सीढ़ियाँ बनवाएं, उसके बाद एक ईंट की दीवार चारों ओर लगवाएं।
और दूसरे दिन टैंकर से पानी मंगवाकर उसे तर कर दें। 7 दिन तक छत को पानी से भर के रखें, उसके बाद ही निर्माण कार्य करवाएं। मैं रिकमेंड करूंगा तब तक बाहर की बाउंड्री वॉल, रैंप, गैराज आदि का पीपीसी कर लें, ताकि बाद में आगे चलकर कोई विवाद ना हो, क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा वर्क के कार्य हैं, ये सब तय एग्रीमेंट के अनुसार कर लें। अब हम बात करेंगे सेटरिंग की। सेटरिंग 21 दिन से पहले सेटरिंग ना खुलवाएं, ना ही कोई बल्ली या फंटा ठेकेदार को हटाने दें, उसके बाद ही सेटरिंग हटवाएं। सबसे पहले सेटरिंग खुलते ही लाइट कंडूट पाइप व बॉक्स फिट करवाएं, प्लम्बर से सारे बाथरूम और किचन की फिटिंग करवाएं, और मेसन से सभी बाईबाना और दरवाज़ा खिड़की सभी कमरों में लगवाएं। उसके बाद ही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्लास्टर चालू करें। एक बात ध्यान रखें, कॉर्नर व कॉलम के साथ जो दीवार जुड़ती हैं उसमें प्लास्टिक की जाली लगवाकर ही प्लास्टर करवाएं, ताकि भविष्य में क्रैकिंग से बच सकें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, प्लास्टर करने से पहले और उसके बाद 7 दिन तक तराई आप स्वयं या किसी से खुद करवाएं। कोई भी लापरवाही ना बरतें ताकि हमारा प्लास्टर मजबूत ना हो सके। अगला बिंदु है प्लम्बर व इलेक्ट्रिक वर्क। प्लम्बर व इलेक्ट्रिक वर्क में छत पर पानी की टंकी रखवाएं और सारी फिटिंग कर लाइन चालू करें, ताकि देखें कोई सीलन व लीकेज तो नहीं, यदि है तो उसे तुरंत दुरुस्त करवाएं। इसके बाद ही टाइल व लाइट के बॉक्स एवं वायरिंग करवाएं। लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। इसके बाद आता है कई सारे अदर वर्क। अदर वर्क बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसमें ठेकेदार से तालमेल बिगड़ते हैं। ये सब चीज़ें आप एग्रीमेंट में पहले तय कर लें। अब हम देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला है बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल में इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी, यदि कोई आर्किटेक्ट डिजाइन देता है तो वो क्या होगा, ये सब तय कर लें। दूसरा है रैंप की ऊंचाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी, इसके बाद उस पर टाइल या मार्बल क्या लगेगा, ये सब पहले ही तय कर लें। अगला आता है वाटर टैंक का निर्माण। वाटर टैंक कितनी लंबाई, चौड़ाई, गहराई क्या होगी, सिंगल दीवार की बनेगी, डबल ईंट की बनेगी, ये सब तय कर लें। यदि आपकी कॉलोनी में सीवरेज है तो ठीक है, वरना टॉयलेट टैंक का भी निर्माण करना पड़ेगा। इसमें कितनी गहराई व चौड़ाई की फर्मा डालेंगे, ये सब चीज़ें पहले ही एग्रीमेंट में तय कर लें। अब बात करते हैं पीओपी वर्क, जिसमें क्या क्या डिजाइन होगी। फॉल सीलिंग है तो फॉल सीलिंग में क्या डिजाइन होगी, पेंट वर्क क्या होगा, कौन सा होगा, कितने कोट का होगा, ये सब चीज़ें हम एग्रीमेंट में तय करें। अब हम बात करते हैं कारपेंटर वर्क, जिसमें दरवाज़ा, खिड़की, वार्डरोब ये आदि का कार्य कौन कराएगा, ये सब बातें आप एग्रीमेंट में तय करें। अब आती है कमरों में वार्डरोब का निर्माण, कितनी लंबाई, चौड़ाई, कितनी वार्डरोब बनेगी, ये इसका कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा, ये सब चीज़ें आप पहले तय कर लें। अब हम बात करेंगे मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन का कोई अलग से चार्ज तो नहीं, ये सब चीज़ें आप तय करें, और आपसी मतभेद और गलतफहमी का शिकार ना होना पड़े। इन सब को आप ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट में सब चीज़ें तय कर लें। दोस्तों, एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, घर में पर्याप्त रोशनी हवादार होना चाहिए। इसका भी मैंने वीडियो आई बटन में लिंक दिया है, जिस पर आप जाकर उसे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी लेबर रेट आपके घर बनाने में फ़ायदेमंद साबित होगी। इसकी और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करें, ताकि मैं इसका डिटेल वीडियो बना सकूं। मेरे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।